हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक पेपर वन और पेपर टू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एनटीए में इससे पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन हमारा 18 नवंबर 2009 में आया था। दोस्तों, इसका आप नोटिफिकेशन डेट याद कर लेंगे, ये कब आया था, आपको मेजा कॉलम या फिर आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप्स में पूछे जा सकते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय द सब सेक्शन 2H ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। दोस्तों, यह जो एक्ट जो स्टैंडर्ड्स आए हैं, ये एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है 2009 स्टैंडर्ड जो सॉरी एक्ट स्टैंडर्ड है, ये किसके एक्ट के अंदर आया है। तो ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर आया है। इस एक्ट के आने के बाद जो भी हमारे पहले इस स्टैंडर्ड के आने के बाद जो भी हमारे पहले स्टैंडर्ड थे, दैट इज 1984 में जो स्टैंडर्ड था और 1990 में स्टैंडर्ड था, वो इसको इसने सुपरसीड कर दिए। यानी कि अब वो जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड थे वो हमारे मान्य नहीं होंगे। और दोस्तों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये स्टैंडर्ड किसने नोटिफाई किए, तो यूजुअली पूछा जाता है द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर बाय नोटिफाई द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों इस पूरे स्लाइड में से आपको तीन चीज याद रखनी। पहला तो हम आपको याद रखना है डेट, किस डेट में यह स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट हुए थे, स्टार्ट हुए थे। तो ये दोस्तों ये डेट है 18 नवंबर 2009। और यह जो स्टैंडर्ड है किस एक्ट के अंदर आते हैं, तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। और यह स्टैंडर्ड किसने नोटिफाई किए थे, तो सीपीसीबी, इन शॉर्ट हम सीपीसीबी बोलते हैं, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोस्तों पेपर वन वालों के लिए ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। पेपर टू में वह आपसे पूछ सकते हैं सब सेक्शन, किस सब सेक्शन के पावर में ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के तहत इन स्टैंडर्ड को नोटिफाई किया। तो दोस्तों, आप यह पावर कन्फर्ड किस सेक्शन में है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये मैं पेपर टू वालों के लिए बोल रहा हूँ। अब देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में कितने, देख लेते हैं हमारे पॉल्यूटेंट जो स्टैंडर्ड में नोटिफाइड हैं। टोटल हमारे 12 पॉल्यूटेंट हैं जो स्टैंडर्ड में नोटिफाइड हैं। तो हम एक वन बाय वन लेके सारे पॉल्यूटेंट के बारे में जान लेते हैं, उसका कितना हमारा लिमिट है और हमारा क्या मेथड ऑफ मेजरमेंट है। तो दोस्तों, पहला हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका हमारा एनुअल लिमिट है इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल रूरल एंड अदर एरियाज। देखिए दोस्तों, कंसेंट्रेटेड एम्बिएंट एयर इंडस्ट्रियल के अलग है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के लिए अलग अलग नोटिफाइड की है। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि यह दोनों डिफरेंट दो ही पॉल्यूटेंट के लिए है, सल्फर और नाइट्रोजन, बाकी के लिए सब सेम है और इक्वल है। तो आपको बस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन केस में इन दोनों को अलग अलग याद करना है, बाकी इसके केस में सब सेम है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में एनुअल हमारा 50 है, 24 आवर्स है, और इकोलॉजिकल सेंटर 2080 है, और जो मेथड हमारा यूज होता है मेजरमेंट के लिए वो इम्प्रूव्ड वेस्टर्न गेक एंड अल्ट्रा वायलेट फ्लोरोसेंस मेथड हमारा इसमें यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आप एक से देख नोट करेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो यूनिट है आपको याद रखनी है, दैट इज इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस स्टैंडर्ड में जो भी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यूनिट होगी, हम उसको बात करेंगे 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो दूसरा पॉल्यूटर हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसकी एनुअल लिमिट हमारी है 40-80 इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में 30-80, और इसकी यूनिट भी हमारी है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों, आपको यूनिट का खास ध्यान रखना है। और इसके जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है हमारा है मॉडिफाइड जैकब एंड होसियर मेथड एंड कैमिलियो मिनीसेंस मेथड। तो ये दोनों मेथड हमारे
यूज होते हैं मेजरमेंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड हमारा है पार्टिकुलेट मैटर फॉर साइज लेस देन 10 माइक्रोन, दैट इज PM10। इसकी यूनिट भी हमारी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसकी एनुअल लिमिट हमारी 60 है इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एसेंशियल ज्वेलरी एंड 24 आवर्स है 100। और यही सेम यूनिट हमारी है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। दोस्तों इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल के परस्पेक्टिव से। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसके बारे में और इसमें कौन कौन से एरिया कवर्ड है, नोटिफाइड किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। और जो हमारा फोर्थ पॉलिटेंट है दोस्तों, वह है पार्टिकुलेट मैटर साइज लेस देन 2.5, दैट इज PM2.5। इसकी यूनिट भी हमारी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी। इसकी एनुअल लिमिट हमारी 40, 24 आवर हमारी 60 होगी। और मेथड ऑफ मेजरमेंट दोस्तों PM10 और 2.5 के सेम है। तो ये ग्रेविमेट्रिक मेथड हो गया, TEM मेथड हो गया, बीटा एटेन्यूएशन हो गया। दोस्तों TEM हो गया हमारा, हो गया टेपर्ड एलिमेंट ऑक्सीलेटिंग माइक्रोबैलेंस। तो दोस्तों आपको इसमें लिमिट्स याद करनी है इंडस्ट्रियल एरिया में, इकोलॉजिकल एरिया में, और मेथड ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों यह पेपर 2 में मेजर कॉलम के टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, और यह एक दो क्वेश्चन आपका जनरली पूछ लेगा कि पार्टिकुलर मैटर की इंडस्ट्रियल एरिया में 24 आवर लिमिट क्या है। तो उसका आंसर होगा 60। तो आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट देन फिफ्थ हमारा एलिमेंट पॉल्यूटेंट से ओजोन। इसकी यूनिट भी हमारी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। जितने भी हमने अभी तक यूनिट जितने भी हमने अभी पॉल्यूटेंट कवर की सबकी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं हम, इसकी हमारी 1 आवर 180 है और 8 आवर 100 है। इनके सब इंडस्ट्रियल सेम इकोलॉजिकल में भी है सेम यूनिट। इसको जो मेथड और मेजरमेंट है यूवी फोटोमेट्रिक कैम्यूनिसेंस केमिकल मेथड, ये हमारे 3 मेथड यूज होते हैं ओजोन को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब थर्ड हम सिक्स हमारा है बेंजोपायरिन, दैट इज इन फेज ओनली। और इसकी यूनिट दोस्तों आप देखेंगे नैनोग्राम पर मीटर क्यूब है। देखिए दोस्तों इसकी यूनिट नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, उसे मैंने ग्रीन से इंडिकेट कर दिया। अब बाकी सबकी माइक्रोग्राम है, बस एक CO होगा जिसकी मिलीग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट होगी। ठीक है दोस्तों, जो भी ग्रीन है उसके नैनोग्राम पर मीटर क्यूब आपको याद रखना है। और इसका हमारा एनुअल हमारा इसका लिमिट है, दैट इज 1 1। और इसका हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय HPLC GC एनालिसिस, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी से हमें इसे एनालाइज करते हैं। देन इसके बाद हमारा सेवन पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसकी यूनिट माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं है, ये हमारा डिफरेंट है, तो आपको ये याद रखना है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके हमारा जो सैम्पलिंग टाइम है 1 आवर 8 आवर है, इंडस्ट्रियल में 4 है फॉर 1 आवर एंड 8 आवर्स के 2 है, सेम इन इकोलॉजिकल है। इसका जो हमारा मेथड ऑफ मेजर है NDIR नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट है CO। देन हमारा एट पॉल्यूटेंट है अमोनिया। अमोनिया यूनिट हमारी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। देन इसकी एनुअल और 24 आवर जो सैम्पलिंग है उसकी लिमिट है, उसके पॉल्यूटेंट की कंसेंट्रेशन की लिमिट है 100 400 एंड इकोलॉजिकल सेंटर 100 सेम है। इसका मेथड है कैम्यूनिसेंस एंड इंडोफिनॉल ब्लू मेथड, ये हमारे यूज होते हैं मेजर करने के लिए। देन हमारा है बेंजीन। बेंजीन हम एनुअली एनुअल है हमारी, इसकी सैम्पलिंग लिमिट है इसकी इसकी 5 है और इसका माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। देन गैस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड कंटीन्यूअस एनालाइजर एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन फॉलोड बाय GC एनालिसिस, में भी हम GC एनालिसिस यूज करते हैं बेंजीन में। तो दोस्तों इसके बाद हमारा लेड आर्सेनिक एंड निकिल 3 मेथड हैं, तीनों हैवी मेटल कैटेगरी में आते हैं। तीनों का मेथड ऑफ मेजरमेंट सेम है, दैट इज AASICP मेथड आफ्टर सैम्पलिंग ऑन EPM पेपर। इन तीनों का हमारा जो सैम्पलिंग होता है EPM पेपर में होता है, और जो हमारा PM10 का होता है वो ग्लास फाइबर फिल्टर पेपर में होता है, और जो हमारा PM2.5 का होता है वो हमारा PTFE पेपर में होता है। दोस्तों आपको ये दोनों चीज पेपर भी याद रखना पड़ेगा। PM10 का हमारा होता है ग्लास फाइबर फिल्टर पेपर, और PM2.5 का हमारा होता है PTFE एंड देन
हैवी मेटल के लिए हम यूज़ करते हैं ईपीएम पेपर, ईपीएम 2000 पेपर, ठीक है। और फिर इसका हम एनालिसिस करते हैं डबल एएस में, दी एटॉमिक एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है दोस्तों। लेड की जो हमारी यूनिट है, इसकी यूनिट खाली हमारी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और आर्सेनिक और निकल की हमारी नैनोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो हमारे तीन पॉलिटेन है जिसकी हमारी नैनोग्राम पर मीटर क्यूब है, आर्सेनिक निकल देन बेंजोपायरिन, देन ओनली सीओ की हमारी मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, बाकी सबकी हमारी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो टाइम वेटेड हमारा एनुअल 24 आवर, लेड की करते हैं 0.51 सेम है दोनों इंडस्ट्रियल इकोलॉजिकल की, आर्सेनिक की हमारी है 6 6 और निकल की 20 20। तो दोस्तों जो हम एनुअल अर्थमेटिक मीन और मिनिमम 10 मेजरमेंट हमारा इन ईयर एट अ पर्टिकुलर साइट जो आएगा, टेकन ट्वाइस अ वीक 24 आवरली एट यूनिफॉर्म डेट, जो हमने स्टार लगाया वन अर्थमेटिक मीन है 104 मेजरमेंट का इन अ ईयर एट अ पर्टिकुलर साइट टेकन ट्वाइस अ वीक 24 आवरली एट यूनिफॉर्म इंटरवल। और जो हमारा डबल स्टार लगाया है 24 आवरली, 8 आवरली और 1 आवरली मॉनिटर वैल्यू एज अप्लीकेबल, दैट शुड कम्प्लाइड विद इन 98% ऑफ द टाइम इन अ ईयर, 2% ऑफ द टाइम दे में एक्सीड, यानी कि जो हम मॉनिटरिंग करेंगे उसमें से 98% टाइम दे वैल्यू ऑफ दैट पॉलिटेन शुड बी बिलो दैट स्पेसिफाइड लिमिट, बट दे में एक्सीड द लिमिट एट रिमेनिंग 2%, बट दैट कैन नॉट बी ऑन 2 consecutive days, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट के जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।